एक दूजे के वास्ते। ये सही नहीं है जी, पूरे फेरे लेकर ब्याह किया है आपसे, तो हम क्यों छुपाएंगे? अगर बता दिए तो एक नहीं दोनों निकाले जाएंगे काम से। शांत रहो कुछ दिन हमारे लिए। डमरू जी, ऐसा नहीं है कि हम आपसे शिकायत कर रहे हैं, बस हमें आपकी बहुत याद आती है। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है झुमरी। सच सच झूठ हमें ना बताइए। ठीक कर दिया दरवाजा? पहले तो तोड़ दिए, अब जोड़ने का तो दिखावा मत कीजिए। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ क्या कर रहे हैं और ये सब क्या है? वो सुमन दीदी ने बोला था ना टूटे हुए कांच को ठीक करवाने के लिए, तो वही मैं ठीक करने आया था। गलती हमसे हुई है तो ठीक भी हम ही कर लेंगे, किसी का एहसान नहीं लेते हम। मेरे यहां जो टूटा है ना वो मैं खुद जोड़ लूंगा, उसके लिए किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है मुझे। किसी का एहसान मैं भी नहीं रखता। जाके बोल देना अपनी सुमन दीदी को। समझ गया ना? समझ गया तो यहां क्या करे? अब और तोड़फोड़ देखनी है। वाह, इतना अच्छा खाना और स्पेशली आपकी खीर के लिए, अब तो बार बार आना पड़ेगा। जरूर, जब दिल चाहे तब आ जाना। आ, वीर, ये चॉकलेट आपके लिए। थैंक यू। कंचन कब आ रही है? कल रात को ही बात कर रही थी उससे, बोल रही थी कि जल्दी आ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी फेवरेट पर्सन आ रही है। और हाँ रमेश जी, एक बहुत अच्छी बात आपके लिए भी। बताओ। वैसे सुमन तो आपको केस का अपडेट देती होगी, लेकिन मैंने सोचा खुद भी आके बताऊं। अब हमारा केस ना बहुत स्ट्रांग हो गया है और अब हमारी जीत ऑलमोस्ट पक्की है। बेटा, तुमने जिस तरह दिन रात एक किया हमारे केस के लिए, उसके लिए तो थैंक यू शब्द बहुत ही छोटा है। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये केस मैंने अपने लोगों का केस समझ के ही लड़ा है। डबरू, उनकी खिड़की का कांच लग गया ना? वो दीदी, जैसे आप बोली थी, हम जाके ना जोड़ के खिड़की विड़की ठीक कर दिए, फिर भैया आके ना मेरे हाथ से हथौड़ी लेकर के फिर से कांच तोड़ दिए और बोले कि आकर आपको बता दें। क्या बता दें? कि उनको एहसान नहीं चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं, वो गलती से क्रिकेट खेलते वक्त वीर से पड़ोसी में खिड़की का कांच टूट गया था, तो सुमन ने कहा कि ठीक करवा देंगे। पर पड़ोसी सामने वाला घर तो मिस्टर देवराज मल्होत्रा का है ना, जिनके खिलाफ हम केस लड़ रहे हैं। हाँ, वैसे तो वहां कोई रहता नहीं है, लेकिन आजकल उनका लड़का आया हुआ, जो कि पहले से भी ज्यादा बदतमीज हो गया। आर्मी कॉलोनी में आ जाने से कोई तमीज नहीं सीख जाता। पर ऐसी बदतमीजी टॉलरेट क्यों करें? सुमन सिर्फ उनकी मदद ही तो कर रही थी। मैं बात करके आता हूँ। नहीं प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं सुमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट मी जस्ट टॉक टू। प्लीज रहने दीजिए। ओके, मुझे एक्चुअली थोड़ी देर हो रही है, सो बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर अ लवली डिनर। नमस्ते। नमस्कार चाची, मैंने बाहर तक छोड़ते छोड़ा बेटा। आइए। आफ्टर यू। हमें तो कुछ समझती नहीं सुमन, शुक्र है कि विक्रम से तो सीधे मुंह बात करती है, क्योंकि सुमन जानती है कि विक्रम के उस पर कितने एहसान हैं। अच्छा, और हम नजर नहीं आते उसे, और हमारे एहसान? बीना कैसी बात कर रही हो, सुमन बच्चे है हमारी, फैमिली है हम लोग। I'm sorry, वो अंदर आपकी जगह तुम कह दिया था तो It's all right.
इतने सालों की पहचान के बाद तुम ठीक है? सो केस ऑलमोस्ट ओवर, भाग जाओगी वापस ड्यूटी पे, है ना? सच सच एक बात कहूं? तुम झूठ भी कहती हो, पता नहीं था मुझे। अच्छा बोलो। पिछले 7 सालों में मैंने इतने अप्स एंड डाउन्स, इतनी प्रॉब्लम्स देखी है ना कि अब बस टेंशन फ्री होना चाहती। पता नहीं कब से कोई खुशी सेलिब्रेट ही नहीं करी, तो अगर हम ये केस जीत गए ना, तो इस जीत को मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी आपके साथ। वाओ, रियली? ऐसा तो नहीं है कि अभी हाँ बोल रही हो बाद में भूल जाओगे? प्रॉमिस कर रही हूँ। ओके, वैसे एक बात मैं भी बताऊँ सच सच, और ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि हम वकील ना बदनाम होते हैं झूठ बोलने के लिए। पता है सुमन, तुम ना बहुत सुलझी हुई हो, किसी को कभी जज नहीं करती हो, और हाँ मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आज तक मैं तुम्हें सही से जान ही नहीं पाया हूँ। शायद गलती मेरी है, हमेशा अपने आप में इतनी उलझी रहती हूँ कि और किसी चीज को वक्त ही नहीं दे पाती। आपने तो अपने बारे में काफी कुछ बताया मुझे, बस मैं ही। इट्स ओके सुमन, इट्स ओके। धीरे धीरे सही, लेकिन एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि तभी रिश्ते आगे बढ़ पाते हैं। पर विक्रम, अभी बहुत कुछ है जो मैंने आपको नहीं बताया। खास करके मेरे पास्ट के बारे में। देखो सुमन, तुम जो बताना चाहती हो ना, मैं सब सुनना चाहता हूँ, लेकिन ना एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, मेरे लिए ना तुम्हारा पास जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके, मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है तुम्हारा प्रेजेंट और तुम्हारा फ्यूचर। क्या हुआ, बुरा लगा क्या? अभी तो बहुत सी बातें करनी है आपसे, जल्दी करेंगे। अरे मुझे ना किसी से मिलवाना है तुम्हें, बड़ा कमाल का बंदा है। अच्छा? हाँ। कौन? अरे पता है क्या यार, नाम बिल्कुल दिमाग से निकल गया, क्या नाम था एक्चुअली? पहले लेट हो रहा था ना, ऊपर से वकील हूँ, 10 चीजें दिमाग में चल रही थी। क्या नाम था उसका? तुम्हारे घर आ रहा था ना तो अचानक मेरी कार बंद हो गई, उसी ने हेल्प की थी। अब ना आर्मी वालों से ना एक अलग सा रिश्ता बन गया। हाँ, ये भी आर्मी में ही छुट्टी पे आया हुआ है, और पता है पहली मुलाकात में हमारी ऐसी दोस्ती हो गई कि दोबारा मिलने के प्लान बन गए। तुम चलोगी ना? उसके बारे में खास बात बताऊंगा तुम्हें। अभी बताओ। पता है वो तुम्हारी है ना वो चाय की टपरी, तुम्हारा फेवरेट स्पॉट जिसके साथ तुम्हारी खास यादें जुड़ी हुई, बातों बातों में इसने बताया कि इसकी भी कुछ खास यादें ना उसी चाय की टपरी के साथ जुड़ी हुई है। प्रॉमिस करो श्रवण कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो और चाहे कोई कुछ भी कहे, हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्रॉमिस। अच्छा नाम क्या है उसका? क्या नाम? हाँ, कैप्टन मल्होत्रा। तो चलते हैं किस दिन कैप्टन मल्होत्रा से मिलते हैं, कुछ पुरानी यादें बांटते हैं और कुछ नई यादें बनाते हैं, है ना? सुमन कहाँ खो गई? वो मैं बस सोच रही थी कि आज आपको बहुत लेट हो गया। नहीं देखो सुमन, अब तुम भी मुझे तुम कह के बुला सकती हो। ओके All right then, चलता हूँ मैं। Good. Good night. Good night.
जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं। पापा के जाने के बाद उनके गम में जब मम्मी वो भी चली गई, उसके बाद से मुझे जैसे हर दिन एक नया इम्तिहान देना पड़ा है। विक्रम अच्छे इंसान है, मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर पता नहीं मैं क्यों रुक जाती हूँ। आप दोनों के जैसे रिश्ते नहीं होते ना, अब क्या इसलिए अपने पास्ट के बारे में बात नहीं कर पाती मैं? जिंदगी में कुछ रिश्ते सुकून देने के लिए आते हैं, जैसे कि पापा, और कुछ सिर्फ तकलीफ, जैसे श्रवण। मेरी जिंदगी की हर तकलीफ के पीछे जो नाम है, वो अब विक्रम का दोस्त भी बन गया है। कभी नहीं चाहूंगी कि विक्रम मुझे गलत समझे, इसलिए अपना सच उन्हें मैं खुद बताऊंगी। पर तुम क्यों वापस आए श्रवण? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूं कैप्टन मल्होत्रा, आपकी इंजरीज और आपकी फिटनेस को इतना इजीली नहीं ले सकते। अब इस बारे में मैंने आपसे कल क्या कहा था कि आपके केस के लिए एक डॉक्टर अलग से असाइन किया जाएगा, कहा था ना? यस सर। तो आज हमने कैप्टन तिवारी को आपका डॉक्टर अपॉइंट कर दिया, अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? सर, एक्चुअली मैं यहाँ टेम्पररी बेसिस पे हूँ, तो कैप्टन मल्होत्रा के केस के लिए बेस्ट रहेगा अगर आप इन्हें कोई दूसरे डॉक्टर को असाइन। मैं जानता हूँ कि आप लीव पर हैं कैप्टन तिवारी, और ये भी कि कैप्टन मल्होत्रा आपके पड़ोसी हैं, तो एक्सरसाइज मॉड्यूल्स हों या डेली चेकअप्स, आप दोनों एक दूसरे से इजीली कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जब तक आप यहां हैं, कैप्टन मल्होत्रा इज योर पेशेंट, ओके? ओके सर। ग्रेट। तो आई थिंक जितना जल्दी काम शुरू हो उतना ही बेहतर है। तो आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके मुझे बताइए कि कैप्टन मल्होत्रा का ट्रीटमेंट आज से शुरू होगा या कल से। ये रहे आपके ऑफिशियल पेपर्स। थैंक यू सर। यू मे लीव नाउ। जय हिंद सर। कैप्टन मल्होत्रा, आप अपने सेशंस कब से स्टार्ट करना चाहते हैं मुझे बता दीजिए। मैं सही सवाल तो ये है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो तो कब का बता चुका हूँ। रिमेम्बर, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ ड्यूटी ज्वाइन करने। एक्सक्यूज मी, वैसे आप जो चाहती थी आपको मिल गया ना, फंस गया ना आपके साथ यहाँ। आपने आर्मी तो ज्वाइन कर ली कैप्टन मल्होत्रा, पर शायद आपके आर्मी के बेसिक्स अब तक वीक है। अपनी फिटनेस को मेंटेन करना भी एक सोल्जर की ड्यूटी है, तो दोनों अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। सेशन और इतने खराब मूड में सेशन तो कल से स्टार्ट करते हैं। आपकी शक्ल एक दिन में कितने टाइम तक बर्दाश्त कर सकूं, मेरी भी उसकी लिमिट है। और आप, एक्सक्यूज मी। हां जी विक्रम। नहीं नहीं, बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया आपने। वो कहते हैं ना, एक बार दोस्ती हो जाए ना तो दिमाग में ट्रांसमीटर फिट हो जाता है और सही टाइम पे कॉल आ जाता है। सो अगर फ्री हो तो ड्रिंक स्पेस दोस्ती को और बढ़ाया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा मेरा दिन जा रहा है और जो कुछ मैं सह रहा हूँ ना, यहाँ ड्रिंक्स तो बनती हैं। आप मुझे एड्रेस टेक्स्ट करिए, मैं अभी आया। ठीक है, आई विल टेक्स्ट यू, सी यू देन। मेरे बारे में, मेरे पास्ट के बारे में मैं चाहती हूँ विक्रम मुझसे सुने, लेकिन अगर आज श्रवण से मिले तो बातों में बात। कैप्टन मल्होत्रा एक मिनट। कैप्टन तिवारी, दो मिनट हो गए, आपको कुछ कहना है या मैं? सर,
आई नो कि कैप्टन मल्होत्रा जल्द से जल्द ड्यूटी पे वापस लौटना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा उतनी जल्दी ही वो लौट पाएंगे। इसलिए आई फील कि उनका ट्रीटमेंट आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। नहीं कौन सा नया नाटक इसका भी है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।